नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की हम इस क्लास में बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। यह है आपकी इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा। इस समय करंट की बात करें हम लोग, तो उस स्थिति में हम लोग खड़े हुए हैं कि अगर इस इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा की मदद ना ली जाए तो एक तरह से शिक्षा ठप पड़ जाएगी। अब कोई भी आप चाहे फिर कक्षा 5वीं, 6वीं, 7वीं या फिर कॉलेज लाइफ ले लीजिए या फिर और हाई एजुकेशन ले लीजिए, जहाँ भी देखो अभी क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब कुछ ठप्प पड़ा हुआ है, तो एक माध्यम हमारे पास बचता है इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा का। तो इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि सर किस संदर्भ में अभी इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा चर्चा में है और ई शिक्षा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा आखिर होती क्या है, इसे भी देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा के प्रकार क्या है और भारत में ई शिक्षा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा की स्थिति क्या है, ई शिक्षा बढ़ाने हेतु सरकार ने अभी तक क्या प्रयास किए हैं उसे भी देखेंगे, ई शिक्षा की विशेषताएं क्या है और ई शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां क्या हैं, आखिर ई शिक्षा को कौन सी समस्याएं रोकती हैं उन्हें भी हम लोग देख लेंगे। पिछले 3 दशकों में जीवन के हर क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं का काफी विस्तार हुआ है। शिक्षा क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है। प्राचीन गुरुकुल तथा आश्रम की वाचिक परंपरा से होते हुए शिक्षा ने अनेक सोपान तय किए। पिछली सदी के कामोबेश पारंपरिक श्यामपट्ट तथा खड़िया मिट्टी यानी कि चौक के दौर से गुजरते हुए 21वीं सदी के इस दूसरे दशक में पठन पाठन का समूचा परिदृश्य बहुत बदल चुका है। आज की स्कूली शिक्षा नवयुगीन साधनों तथा युक्तियों को सुसज्जित होती जा रही है। साधारण ब्लैक बोर्ड की जगह अब स्मार्ट बोर्ड ने ले ली है तथा विभिन्न प्रकार के मार्कर पेन ने खड़िया मिट्टी चौक का स्थान ले लिया है। इंगित करने के लिए इस्तेमाल होने वाली स्टिक का स्थान लेजर पॉइंटर ने ले लिया है। स्लाइड प्रोजेक्टर तथा एलसीडी प्रोजेक्टर अब हर कक्षा की अनिवार्य आवश्यकता बनते जा रहे हैं। शिक्षा में दृश्य श्रव्य प्रणाली का प्रचलन उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। सुगम तथा बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिए टच स्क्रीन वाले बोर्ड अब स्कूल में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शिक्षण प्रणाली के तौर तरीकों में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है। परिणाम स्वरूप शिक्षा अब तेजी से ई शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहा है। अभी आपका ई शिक्षा द्वारा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा द्वारा क्लास चालू है, आपको याद होना चाहिए। जहां ई शिक्षा का माध्यम नहीं है, सुविधा नहीं है, वहीं बंद है, वरना कई कॉलेज अभी भी चल रहे हैं, कई कोचिंगें अभी भी चल रही हैं। बात करते हैं ई शिक्षा से क्या तात्पर्य है आपका। ई शिक्षा से तात्पर्य अपने स्थान पर ही इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा से है। अब इसी तरह से ई शिक्षा को ले लीजिए, यहां मैं बता रहा हूं आपको, आप वहां बैठे पढ़ रहे हैं, आपको वहां से ना मेरे पास आने की जरूरत है ना ही मुझे आप तक जाने की जरूरत है, यही से ई शिक्षा है आपकी इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा। ई शिक्षा के विभिन्न रूप हैं जिसमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग या फिर कंप्यूटर आधारित लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम इत्यादि शामिल हैं। आज से जब कई वर्ष पहले ई शिक्षा की अवधारणा आई थी तो दुनिया इसके प्रति उतनी सहज नहीं थी, परंतु समय के साथ ही ई शिक्षा ने संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था में अपना स्थान बना लिया। अब हम लोग बात करते हैं ई शिक्षा के प्रकार देखते हैं। ई शिक्षा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, सिंक्रोनस और दूसरा असिंक्रोनस। सिंक्रोनस शैक्षिक व्यवस्था, इस शैक्षिक व्यवस्था से तात्पर्य है आपका कि एक ही समय में अर्थात विद्यार्थी और शिक्षक अलग अलग स्थानों से एक दूसरे से
शैक्षिक संवाद करते हैं। इस तरह से किसी विषय को सीखने पर विद्यार्थी अपने प्रश्नों का तत्काल उत्तर जान पाते हैं, जिससे उनके उस विषय से संबंधित संदेह भी दूर हो जाते हैं। इसी के कारण इसे रियल टाइम लर्निंग भी कहा जाता है। इस प्रकार की ई लर्निंग व्यवस्था में कई लोग ऑनलाइन उपकरण की मदद से छात्रों को स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। सिंक्रोनस ई शैक्षिक व्यवस्था के कुछ उदाहरणों में आपका ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैट तथा वर्चुअल क्लासरूम आदि शामिल हैं। ये तरीके बीते कुछ वर्षों में अधिक लोकप्रिय हो गए। अब हम बात करते हैं असिंक्रोनस शैक्षिक व्यवस्था की। इस शैक्षिक व्यवस्था से तात्पर्य एक समय में नहीं, अर्थात यहाँ विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वास्तविक समय में शैक्षिक संवाद करने का कोई विकल्प नहीं है। इस व्यवस्था में पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी पहले ही उपलब्ध होती है। उदाहरण के लिए वेब आधारित अध्ययन, जिसमें विद्यार्थी किसी ऑनलाइन कोर्स, ब्लॉग, वेबसाइट, वीडियो ट्यूटोरियल्स, ई बुक्स इत्यादि की मदद से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस तरह की ई शैक्षिक व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि विद्यार्थी किसी भी समय जब चाहे तब शैक्षिक पाठ्यक्रमों का तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि छात्रों का एक बड़ा भाग असिंक्रोनस शैक्षिक व्यवस्था के माध्यम से अपनी पढ़ाई करना पसंद करता है। इसी वीडियो को आप असिंक्रोनस शैक्षिक व्यवस्था में ले सकते हैं, और सिंक्रोनस अगर हम ऑनलाइन आए आप उस तरफ से बात कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं इस तरफ से जवाब दे सकता हूँ लाइव। अब इस तरह से लिख सकते हो, जैसे हम लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं तो उस तरह से आप पूछ सकते हैं मुझसे सवाल, मैं आपसे जवाब दे सकता हूँ। ये है आपकी सिंक्रोनस, और जो अभी वीडियो आप देख रहे हैं ये आपका असिंक्रोनस शैक्षिक व्यवस्था है। ठीक है, भारत में ई शिक्षा की स्थिति की बात करें, भारत में क्या स्थिति है ई शिक्षा की, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा की। ई शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शैक्षणिक उपकरणों और संचार माध्यमों का उपयोग करते हुए शिक्षा प्रदान करने के लिए पहचाने जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। वस्तुतः अभी भारत में ई शिक्षा अपने शैशवावस्था में है। ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न ई लर्निंग कार्यक्रमों का समर्थन किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसे बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से उपकरण और तकनीक विकसित करने पर बल दे रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में ई शिक्षा पर केंद्रित शोध एवं अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रहा है। इनमें दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से साक्षरता में सुधार के लिए पाठ्यक्रम सामग्री विकास, शोध एवं अनुसंधान पर मानव संसाधन विकास से जुड़ी परियोजनाओं और संकाय प्रशिक्षण पहल शामिल है। वर्ष 2025 तक भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता की संख्या लगभग 900 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत में ई शिक्षा के क्षेत्र में एक विशाल बाजार तैयार होने की संभावना है। बड़ी संख्या में नए उपयोगकर्ता इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों के माध्यम से ई शिक्षा तक पहुंच सकते हैं। ई शिक्षा बढ़ाने हेतु सरकार के प्रयास क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा को बढ़ाने हेतु सरकार के प्रयास क्या रहे हैं, उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स एक एकीकृत मंच है, जो स्कूल 9वीं से 12वीं से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। अब तक स्वयं 2769 यानी कि 2779 बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम की पेशकश की गई है, जिसमें लगभग 1.02 करोड़ छात्रों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का उपयोग न केवल छात्रों द्वारा बल्कि शिक्षकों
और गैर छात्र शिक्षार्थियों द्वारा भी जीवन में कभी भी सीखने के रूप में किया जा रहा है। एनसीईआरटी कक्षा नौवीं से कक्षा 12वीं तक के लिए 12 विषयों में स्कूल शिक्षा प्रणाली हेतु बड़े पैमाने पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम का मॉड्यूल विकसित कर रहा है। स्वयं प्रभा यह 24 घंटे सातों दिनों आधार पर देश में सभी जगह डायरेक्ट टू होम के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल है। इसमें पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य सामग्री होती है जो विविध विषयों को कवर करती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य गुणवत्ता वाली शिक्षण संस्थानों को दूर दराज के ऐसे क्षेत्रों तक पहुंचाना है जहां इंटरनेट की उपलब्धता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। फिर आपकी राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी। भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी एक एकल खिड़की खोज सुविधा के तहत सीखने के संसाधनों के आवासीय भंडार का एक ढांचा विकसित करने की परियोजना है। इसके माध्यम से यहाँ 3 करोड़ से अधिक डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं। लगभग 20 लाख सक्रिय उपयोगकर्ताओं के साथ 50 लाख से अधिक छात्रों ने इसमें अपना पंजीकरण कराया हुआ है। पर आपका स्पोकन ट्यूटोरियल छात्रों की रोजगार क्षमता को बेहतर बनाने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर 10 मिनट के ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल उपलब्ध हैं। यह सभी 22 भाषाओं की उपलब्धता के साथ ऑनलाइन संस्करण जो स्वयं सीखने के लिए बनाए गए हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल के माध्यम से बिना शिक्षक की उपस्थिति के पाठ्यक्रम को प्रभावी रूप से नए उपयोगकर्ता को प्रशिक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर आपका शिक्षा के लिए निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यह शिक्षण संस्थानों में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग को बढ़ावा देने वाली एक परियोजना है। इसमें शिक्षण कार्य जैसे कि स्पोकन ट्यूटोरियल्स, मेंटेशन, जागरूकता कार्यक्रम या फिर कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग, वर्कशॉप इत्यादि इंटर्नशिप के माध्यम से किया जाता है। इस परियोजना में लगभग आपका 2000 कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों ने इस गतिविधि में भाग लिया है। आपको फ्रे वर्चुअल लैब। इस प्रोजेक्ट का उपयोग प्राप्त ज्ञान की समझ का आकलन करने, आंकड़े एकत्रित करने और सवालों के उत्तर देने के लिए पूरी तरह से इंटरैक्टिव सिमुलेशन इन्वायरमेंट विकसित करना है। महत्वाकांक्षी परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने, वास्तविक दुनिया के वातावरण और समस्याओं से निपटने की क्षमता विकसित करने के लिए अत्याधुनिक कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीकी के साथ आवासीय प्रयोगशालाओं को विकसित करना आवश्यक है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1800 से अधिक प्रयोगों के साथ लगभग 225 ऐसी प्रयोगशालाएं संचालित हैं और 15 लाख से अधिक छात्रों को लाभ प्रदान कर रही है। पर आपका ई यंत्र यह भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में एम्बेडेड सिस्टम और रोबोटिक्स पर प्रभावी शिक्षा को सक्षम करने की एक परियोजना है। शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षित कार्यशालाओं के माध्यम से एम्बेडेड सिस्टम और प्रोग्रामिंग की मूल बातें सिखाई जाती हैं। एनसीईआरटी द्वारा ई रिसोर्सेस जैसे ऑडियो वीडियो इंटरएक्टिव आदि के रूप में विकसित अध्ययन सामग्री को वेब पोर्टल के माध्यम से हितधारकों के साथ साझा किया गया है। उदाहरण के लिए स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स ई पाठशाला, नेशनल रिपोजिटरी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस और मोबाइल एप्लीकेशन से। अब बात करते हैं हम लोग ई शिक्षा की विशेषताओं की, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा की विशेषताएं। ई शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता है कि छात्र अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी समय और कहीं पर भी अपना शैक्षिक कार्य कर सकते हैं। अर्थात इस शैक्षिक व्यवस्था में समय और स्थान की कोई पाबंदी नहीं है। ई शिक्षा के माध्यम से छात्र वेब आधारित स्टडी मटेरियल को अनिश्चित काल तक एक्सेस कर सकते हैं
और बार बार देखकर इसके जटिल पहलुओं को समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई करना काफी हद तक कम लागत वाली होती है, क्योंकि छात्रों को पुस्तकें या फिर किसी दूसरे स्टडी मटेरियल पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। ये शिक्षा पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभदायक है, क्योंकि यहाँ जानकारी को किताब के बजाय वेब आधारित ऐप व पोर्टल पर स्टोर किया जाता है, जिससे कागज के निर्माण हेतु पेड़ों की कटाई पर रोक लगती है और हमारे पर्यावरण को बचाने में मदद मिलती है। ई शिक्षा इंटरनेट और कंप्यूटर कौशल का ज्ञान विकसित करता है, जो विद्यार्थियों को अपने जीवन और करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगा। ई शिक्षा के माध्यम से छात्र नए कौशल सीखने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अब बात करते हैं ई शिक्षा की राय में आखिर चुनौतियां यानी कि समस्याएं क्या है। बिना आत्म अनुशासन या फिर अच्छे संगठनात्मक कौशल के अभाव में विद्यार्थी ई शिक्षा मोड की जाने वाली पढ़ाई में पिछड़ सकते हैं। छात्र बिना किसी शिक्षक और सहपाठियों के अकेला महसूस कर सकते हैं, परिणाम स्वरूप वे अवसाद से पीड़ित हो सकते हैं। खराब इंटरनेट कनेक्शन या पुराने कंप्यूटर पाठ्यक्रम एक्सेस करने वाली सामग्री को निराशाजनक बना सकते हैं। भारत में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव व इंटरनेट की कम गति ई शिक्षा की राय में सबसे बड़ी चुनौती है। वर्चुअल क्लासरूम में प्रैक्टिकल या लैब वर्क करना मुश्किल होता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की भांति विद्युत व्यवस्था का अभाव जो ई शिक्षा में रुकावट बन सकती है। तो ये था आपका ई शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा।